नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। बताया गया इसमें अ प्लेनर लूप ऑफ वायर रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई लूप है तो इनिशियली प्लेन, अगर बोर्ड के प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है। ये जो है टी इज इक्वल टू जीरो पर ऐसा सिचुएशन है, मतलब इस लूप का जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल है शुरू में, है ना। लूप का एरिया किधर लेते हैं, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर एरिया आएगा और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो शुरू में जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, ऐसा कहा जा सकता है। कहा गया इफ इट रोटेट्स विथ अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली एट। ये टाइम बताया गया कि किस टाइम पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा और किस इंस्टेंट पर मिनिमम होगा। कैसे भी रोटेट करा सकते हैं, ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं, यहाँ से भी रोटेट करा सकते हैं। सपोज ऐसे रोटेट कर रहा हो, है ना, तो हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, यानी कि बी ए कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो बी ए डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिखा जा सकता है एंगुलर वेलोसिटी, और साइन जो थीटा है सर्कुलर मोशन से हम जानते हैं थीटा जो है ओमेगा इंटू टी के इक्वल होता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये माइनस साइन में हटा देता हूँ, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हालांकि माइनस प्लस आएगा, इसको भी हम लोग देखेंगे, मतलब कि हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है, इसको भी मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। तो अब देख सकते हैं कि ये मिनिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू जीरो होगी, और मैक्सिमम ये तब होगा जब इसका वैल्यू वन होगा, है ना। तो ईएमएफ विल बी मिनिमम व्हेन साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू जीरो और पाई। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है। तो इस केस में अगर एक देखें तो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू जीरो भी रख सकते हैं और ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू पाई भी रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक टाइम आएगा जीरो और यहाँ से जो टाइम आएगा वो आएगा पाई बाई ओमेगा। पाई ओमेगा होता है टू पाई बाई टाइम पीरियड, यानी ये आ जाएगा टी बाई टू। टाइम पीरियड 10 सेकेंड दिया गया है तो ये आ गया 5 सेकेंड, है ना। तो एक तो 0 सेकेंड पर मिनिमम होगा और 5 सेकेंड पर मिनिमम होगा। 0 सेकेंड वाला ऑप्शन में नहीं है तो एक तो ये आएगा, है ना। और मैक्सिमम कब होगा, ई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू वन। तो इस केस में ओमेगा टी का जो वैल्यू है पाई बाई टू भी रख सकते हैं, आगे की वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना, आगे की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। मैं एक चेक करता हूँ, इसको मैं टाइम टी थ्री रख देता हूँ, तो टी थ्री आएगा पाई बाई टू ओमेगा। पाई बाई टू ओमेगा होता है टू पाई बाई टाइम पीरियड, यानी ये हो गया टी बाई फोर। टी है 10 बाई फोर तो ये आ गया 2.5 सेकेंड। तो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम आएगा एक तो 2.5 पर और मिनिमम आएगा 5 सेकेंड पर, है ना। तो ये ऑप्शन देखेंगे है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे फोर्थ ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है 2.5 सेकेंड पर मैक्सिमम और 5 सेकेंड पर मिनिमम। और भी ऑप्शन हो सकते थे, मैक्सिमम यहाँ भी था लेकिन मिनिमम वाला 7.5 दिया हुआ है, जो कि 7.5 वाला अपना आया नहीं है ना, वो चेक कर सकते हैं, वो नहीं आएगा।
तो ये जो है फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है इसमें।